आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। लोकतंत्र के इस महाकुंभ में आहुति देने के लिए सेलिब्रिटीज भी वोटिंग बूथों पर पहुंचने लगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हाई प्रोफाइल सीटों पर इस बार वोटरों का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी नजर है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि और बेटे अर्जुन के साथ बांद्रा के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर भी मतदान करने पहुंचे। इस दौरान खेर एक अलग ही अंदाज में नजर आए। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने भी बांद्रा वेस्ट मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख अपनी पत्नी जैनलिया डिसूजा के साथ लातूर स्थित पोलिंग बूथ में मतदान करने पहुंचे। उनके साथ भाई अमित देशमुख और धीरज देशमुख भी मौजूद थे। अमित देशमुख लातूर शहर और धीरज देशमुख लातूर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री लारा दत्ता अपने पति और पूर्व टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति के साथ वोट डालने पहुंची। उन्होंने बांद्रा वेस्ट के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। मशहूर फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा और डायरेक्टर एवं गीतकार गुलजार ने भी बांद्रा वेस्ट पोलिंग स्टेशन पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं सेलिब्रिटीज में सबसे पहले अपने जमाने की मशहूर कलाकार वहीं शोभा खोटे अपना वोट डालने पहुंची। अपील करूंगा कि सब लोग आएं और भारी तादाद में वोटिंग हो। हर आदमी जो है महाराष्ट्र का वो अपना मतदान करें और इस प्रोसेस में हिस्सा लें। झाबुआ चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी जीत के दावे हैं। ये चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो ये कमलनाथ सरकार के अच्छे कामों पर एक मोहर का काम करेगा। बीजेपी ने यहाँ से युवा भानु भूरिया को तो कांग्रेस ने बुजुर्ग नेता कांतिलाल भूरिया को रण में उतारा है। झाबुआ का मतदाता भी दो भूरियाओं के बीच फंसा नजर आ रहा है, लेकिन मतदान करने बड़ी संख्या में लोग निकले ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। दोपहर 1 बजे तक 48% मतदान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान की गति धीमी रही, लेकिन शाम के वक्त लोगों ने तेजी से मतदान किया। 356 केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान के इंतजाम किए गए थे, जहां 2,77,000 से ज्यादा लोगों को मतदान करना था। 15 मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग ने वेबकास्टिंग के माध्यम से नजर रखी है। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया ने ग्राम दोतड़ में सुबह मतदान किया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने भी परिवार के साथ मतदान किया। मैदान में 5 उम्मीदवार हैं, जिसमें से कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया, भाजपा से भानु भूरिया और 3 निर्दलीय कल्याण सिंह डामोर, नीलेश डामोर और रामेश्वर सिंगार शामिल हैं। दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों में चुनाव में पूरा जोर लगाया है। वहीं भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे कल्याण सिंह डामोर पर भी सभी की नजर है। जनता का फैसला गुरुवार को पता चलेगा। गुरुवार को पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में ही मतगणना होना है। एक मेरी कर्मभूमि झाबुआ रही है, वापस मुझे सोनिया जी ने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने वापस उम्मीदवार बना के यहाँ खड़ा किया है, तो झाबुआ जनता मुझे आशीर्वाद देगी और 4 साल में विकास की मुख्य धारा में झाबुआ विधानसभा को जोड़ेगी। सर, किन मुद्दों पे चुनाव आपने अभी वर्तमान में इतने समय विकास पे? विकास के मुद्दों पे हमने पहले भी विकास किया, अब भी विकास करेंगे, ये हमारी मन प्रतिबद्धता है। और वचन जो हम कहते हैं, चाहे वचन पत्र में जो भी किया था मुख्यमंत्री ने किया है, जो भी हम लोग वचन दे रहे हैं हम करेंगे, तो ये हमारी जो कहते करते हैं, भाजपा जो कितनी नहीं करती है। विजयनगर क्षेत्र में स्थित गोल्डन गेट होटल में अचानक आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। होटल स्टाफ ने होटल में ठहरे लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला। कुछ लोगों के अंदर ही फंसे रहने की खबर आई है। ऐसे में होटल का अगला हिस्सा धू धू कर जलने लगा। सूचना मिलने के बाद 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। पूरा होटल आग की आगोश में था। फायर फाइटर्स, स्थानीय लोगों और कुछ पुलिस जवानों ने पास की बिल्डिंग से होटल में सीढ़ी लगाकर होटल में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। लोगों को बचाने में इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। एक व्यक्ति को रेस्क्यू करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीढ़ियों के सहारे एक बुजुर्ग को आग से धधकती होटल से बाहर निकाला गया। होटल आग के शोलों में तब्दील हो गया था। काफी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। होटल से लगी दूसरी इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है। आग की लपटें होटल के नीचे से ऊपर तक फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। बताया जा रहा है कि होटल का ज्यादातर हिस्सा लकड़ी से बना हुआ था, इसकी वजह से आग
बहुत तेजी से फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम लगातार लगी रही। नगर निगम के पानी के टैंकर भी मौके पर पहुंचते रहे और फायर ब्रिगेड की मदद करते रहे। घटना के बाद वहां आसपास भीड़ जमा हो गई थी। आग की वजह से पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया था। उधर बिल्डिंग के पिछले हिस्से को फायर ब्रिगेड और नगर निगम की टीम ने तोड़ा और अंदर के हिस्से में पहुंची और फिर पीछे और होटल के आगे दोनों तरफ से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आग के कारण होटल के आसपास के भवनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कर्ज माफी की प्रक्रिया चल रही है, बिजली बिल भी अब 100 रुपए आने लगे हैं, किसानों को मुआवजे के लिए सर्वे कार्य चल रहा है। पीसी शर्मा ने कहा हनी ट्रैप में फंसी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। सांसद प्रज्ञा के बयान पर मंत्री शर्मा ने कहा कि वो अब भी राष्ट्रपिता नहीं बोल पा रही हैं। कल उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपुत्र कहा था। अभी भी राष्ट्रपिता नहीं बोल पा रही जी, पुत्र तक आई है, अब धीरे धीरे सद्बुद्धि आएंगी तो हो सकता है कि राष्ट्रपिता ही बोलने लगे। भाजपा शासनकाल में जनसंपर्क मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी झाबुआ का उपचुनाव जीत रही है। कांग्रेस ने पिछले 9 महीनों में प्रदेश के लोगों और किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, उसका प्रतिफल उसको झाबुआ उपचुनाव में देखने को मिलेगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि झाबुआ चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूरी विधानसभा क्षेत्र में हर जगह गया है, वह ईमानदार और प्रयत्नशील है, निश्चित ही भाजपा की जीत झाबुआ में होगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये ठीक है। कांग्रेस लड़ाई वादा कर रही है, दावा कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि लड़ाई उन्होंने दी और तूफान की बनाई थी, लेकिन वास्तव में हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत यूथ हैं, मेहनत कश हैं और एक एक फलिया तक पहुंचने वाला पहला प्रत्याशी है। जिस तरह से कांग्रेस ने किसान को, गरीब को धोखा दिया है, उसके कारण से जीत भाजपा की सुनिश्चित है। सरकार की नीतियों का असर और नक्सलवादियों के अपने साथियों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार के कारण नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। एक पूर्व नक्सली की अपील पर 28 नक्सलवादियों ने समर्पण कर दिया। समर्पण करने वाले नक्सलियों में एक मंगलू पिता मां से मड़कामी 26 नंबर प्लाटून का सदस्य है, जिस पर 2 लाख रुपये का इनाम था। इसी तरह 3 अन्य इनामी नक्सलियों में कल्ते कल्याण LSO सदस्य बामन पिता मांझी कवासी, LGS सदस्य हांदा और CNM कमांडर पोडियामी गांगी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें कि 4 इनामी नक्सली हैं। मिडकॉम और मड्डा के जो 3 दिन पहले सरेंडर हुए थे, उसके बाद जो चिकपाल में जो कैंप हमारा लगा है, उससे संपर्क में आने के बाद जो भी नक्सली मिलिशिया थे, संगम सदस्य थे, PNM सदस्य थे, उन लोगों ने मुख्य धारा में जुड़ने की इच्छा जताई और पुलिस के साथ कोऑपरेट करने की बात कही। निश्चित रूप से चिकपाल, मारजूम, जंगम पार, बड़े गारम के लोग जिस तरह सरेंडर हो रहे हैं, कटे कल्याण थाना क्षेत्र में पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। समर्पण करने वाले अन्य 24 जन मिलिशिया सदस्य हैं। इन सभी ने राजू मिड़कोम के समर्पण और उसकी बातों को सुनने के बाद शांति की जिंदगी जीने के लिए पुलिस के समक्ष समर्पण किया। समर्पण करने वाले इनामी नक्सलियों को अधिकारियों ने 10-10 हजार रुपए के प्रोत्साहन राशि का चेक सौंपा। इस दौरान SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव, CEO जिला पंचायत सचिदानंद आलोक, CRPF के DIG DN लाल मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती घेरा इतना प्रभावशाली है कि उसने पूरे छत्तीसगढ़ को तर बतर कर दिया है। प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर मध्यम से भारी और हल्की बूंदाबांदी ना हुई हो। शनिवार और रविवार को कई इलाकों में हुई भारी बारिश से धान का किसान परेशान है। इस मौसम ने धान के खेतों पर संकट के बादल ला दिए हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को ही पूर्वानुमान जारी कर दिया था कि शाम होते होते बादल छाएंगे और बरसेंगे। प्रदेश का मौसम बदलना शुरू हुआ और देखते ही देखते काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया। उसके बाद बारिश ने छत्तीसगढ़ की धरती को भिगो दिया। मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि पूर्वी हवा जब तक आती रहेंगी तब तक बारिश होती रहेगी। धमतरी से लेकर डोंगरगढ़ तक फसल तेज हवा और मूसलाधार बारिश के कारण जमीन पर लेट गई। बेमेतरा जिले में कमोबेश यही स्थिति सोयाबीन की फसल के साथ है। बालोद जिले के दल्ली और राजहरा में बारिश से 3 कच्चे मकान ढह गए। इधर दुर्ग और भिलाई में शाम को झमाझम बारिश के कारण बाजार क्षेत्रों के अलावा तमाम प्रमुख चौराहों पर पानी भर गया। इस बारिश से धान की सूख रही फसल एक बार फिर खतरे में आ गई है। इस कारण छत्तीसगढ़ के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि अगर बारिश का दौर ऐसा ही चला तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। विवेकानंद पार्क में एक सभा आयोजित करके ब्राह्मण महासभा ने कहा कि कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू को हर
तरह का जवाब देने के लिए ब्राह्मण समाज एकजुट और सक्षम है। इस दौरान ब्राह्मण महासभा के लोगों ने मांग उठाई है कि कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत मंगू सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जहां एक तरफ ब्राह्मण नेता का अपमान किया, वहीं मंदिर में कार्रवाई के नाम पर ब्राह्मण समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है। यही वजह है कि आज महासभा को आंदोलन का रास्ता तैयार करना पड़ा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं ब्रजेश पांडे जी, आप उनसे माफी मांग लो सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर मंगू सरदार जी अपने ईगो में, अपने अहंकार में, अहम के नशे में, अपने शासन सत्ता के नशे में, अपने पैसे के घमंड में उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण समाज से हम क्यों माफी मांगे, ब्राह्मण समाज तो तुच्छ है। सभा के बाद एक रैली भी शहर में निकाली गई। रैली में शामिल लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर थे जिसमें शहर अध्यक्ष के प्रति आक्रोश भरे स्लोगन लिखे हुए थे। रैली कमिश्नर कार्यालय पहुंची जहां संभाग आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया और उसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। ब्राह्मण महासभा के लोगों ने शिल्पी प्लाजा चौराहे में गुरमीत सिंह मंगू का पुतला भी जलाया। अशोका गार्डन इलाके में रात खाना खाने के बाद हुए विवाद में युवक ने लिव इन में रह रही अपनी पार्टनर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी सीधे महिला के भाई के घर पहुंचा और हत्या की जानकारी दी। घटना के बाद बेडरूम में फर्श पर खून ही खून फैल गया था। मूलतः ऐशबाग की रहने वाली 42 वर्षीय महिला शाहीन बानो अशोक विहार कॉलोनी अशोका गार्डन में अपने दामाद 26 साल के शाहरुख के साथ लिव इन में रह रही थी। रात में दोनों के बीच में खाना खाने के बाद विवाद हुआ। इसके बाद देर रात शाहरुख ने महिला का गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गया। महिला की हत्या के समय उसका 8 साल का बेटा भी फ्लैट में था। पुलिस ने बताया कि आरोपी शाहरुख ने मृतक की बेटी से शादी की थी। शादी के बाद महिला की बेटी ने शाहरुख को 1 साल बाद ही तलाक दे दिया था, जिसके बाद महिला की बेटी अपनी नानी के साथ ऐशबाग में रहने लगी थी और उसका पति शाहरुख अपनी पत्नी की माँ के साथ लिव इन में रहने लगा। एक माह पहले ही वे अशोका विहार इलाके में रहने पहुंचे थे। बानो करके एक महिला है करीब 40-42 साल की, ये शाहरुख खान के साथ लिव इन रिलेशन में करीब 3-4 साल से अशोका गार्डन में अशोक विहार कॉलोनी में किराए से रह रहे थे। कल रात्रि में 2-2.5 बजे के करीब दोनों खाना खाने के बाद किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ। विवाद के दौरान शाहरुख खान उसके पति के द्वारा चाकू से उसके गर्दन पर वार करके मृत्यु कर दी। इधर महिला के पिता बदर का कहना है कि उसकी बेटी से ज़्यादा बात नहीं होती थी, वह अपनी मर्जी करती थी। दामाद व सास 3-4 साल से लगातार लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। मृतका लगातार युवक पर अपने ही साथ रहने का प्रेशर बना रही थी। इसको लेकर उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। बताया जा रहा है कि मृतका पर इससे पहले भी 2018 में देह व्यापार के तहत मामला दर्ज हुआ था। छतरपुर में एक मरीज की अस्पताल की लापरवाही से मौत हो गई। घटना जिला अस्पताल की है जहां कल भूपेंद्र विश्वकर्मा को उसके परिजन भर्ती कराने गए, लेकिन ना ही डॉक्टर ने उसे भर्ती किया और परेशान होकर उनके परिजन कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी के पास पहुंचे और उन्होंने अपने प्रतिनिधि को जिला अस्पताल जाकर पीड़ित को भर्ती कराने और उसको फ्री में ब्लड चढ़ाने के लिए अस्पताल में तैनात डॉक्टर को कहा। मरीज को सिफारिश के बाद डॉक्टर्स ने उसे अस्पताल में भर्ती किया और ब्लड चढ़ा दिया। यहाँ भी डॉक्टर्स का लापरवाह रवैया सामने आया और कुछ देर में ही मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजन सदमे में आ गए। जब इस बारे में सिविल सर्जन को जानकारी लगी तो उन्होंने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। पैर टूटा था 8 साल पहले, तो उसकी रॉड पक चुकी, रॉड गली हुई थी, वो पक गई थी। पहले भर्ती नहीं कर रहे थे, केवल जाते थे तो केवल दवाई लिख देते थे, बस लौटा देते थे। ब्लड बहुत कम था उसके शरीर में, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ब्लड के लिए लिखा है डॉक्टर ने, तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास नहीं है व्यवस्था। तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया, गोली नींद का इंजेक्शन दिया है। उसके बाद बस फिर इसके बाद थोड़ी देर तक खड़ाया, फिर इसके बाद खत्म खाने के लिए, लेकिन हमें इलाज भर्ती न करके इलाज करके लौटा दिया जाता रहा। तो अगर ऐसी स्थिति आती और कोई पर्चा मिलता है किसने देखा क्यों लौटाया गया, तो फिर उसकी पूरी जांच डिटेल जांच करवाई जाए। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां अचानक 20 सड़कों पर बंद होना शुरू हुई। एक दो गाड़ियों से शुरू हुआ सिलसिला 30-40 तक पहुंच गया। मैकेनिकों ने सभी गाड़ी वालों को बताया कि गाड़ी के पेट्रोल टैंक में पेट्रोल की जगह पानी डाला गया है। रात में गाड़ियां बंद होने से कई वाहन सवार परेशान होकर उस पेट्रोल पंप पर पहुंचे जहां से पेट्रोल लिया था। सभी वाहनों को चेक करने पर पेट्रोल टैंक से पानी निकला। लखनादौन के इस पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हुआ। शुरू में तो पंप संचालक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने पीड़ितों की संख्या बढ़ती देखी
तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और सभी की गाड़ियां ठीक करवाने का आश्वासन देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। टेंकवारी में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल आ रहा है, इस कारण से वो पानी की शिकायत आई है और जिन भी गाड़ियों में पानी चला गया है उनको हम पानी निकाल के पेट्रोल निकाल के जितना पानी गया उसका उनको मुआवजा दे देंगे। लोगों के हंगामे के बाद प्रशासन की नींद खुली और लखना दौन के घनसौर नागपुर चौराहे पर स्थित सुहाने पेट्रोल फिलिंग सेंटर को आधी रात को सील कर दिया गया। देर रात को हंगामे के बीच कई बाइक संचालकों ने पेट्रोल लेने के बाद मौके पर ही बोतल में पेट्रोल भरकर दिखाया कि किस तरह से मिलावटी पेट्रोल ग्राहकों को थमाया जा रहा था। उपभोक्ताओं का आक्रोश इतना था कि वे उग्र हो गए। लोगों का कहना है ये सीधे टैंक में पेट्रोल डलवाने के कारण पता ही नहीं चल पाता कि पेट्रोल कैसा है, लेकिन जब बाइक को सर्विस सेंटर पर ले जाया जाता है तब मिस्त्री बताते हैं कि मिलावटी पेट्रोल के कारण इंजन में खराबी आ रही है। पेट्रोल में क्या पानी की शिकायत आई थी और तकरीबन 25-30 गाड़ियाँ थोड़ी दूर जाके बंद हो गई। बाद में यहाँ मैं आकर सामने से सैंपल निकलवाया और भी जो गाड़ी जिनकी बंद हुई थी फिर गाड़ी में पेट्रोल निकाल के लेके आए तो उसमें पानी मिला पाया गया। फिर आके मैंने पेट्रोल पंप पे सैंपल जो इनका रहता है उस पर सैंपल निकलवाया तो उस पर पानी अलग ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो सुहाने ब्रदर्स का जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर पेट्रोल में पानी की मिलावट मतलब दिख रही है, जो कि इसे तो मैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हूँ एवं मैंने देखा कि यहाँ पर जो पेट्रोल का जो सैंपल दिया है उसमें क्या है इसकी जांच के लिए हम इसको जब्त करवाए हैं, फिलहाल तो हम इसको सीज कर रहे हैं। मूल्यानुगत मीडिया संभावना और चुनौतियाँ किताब का लोकार्पण अभिनेता आशुतोष राणा ने भोपाल में किया। इस मौके पर किताब के लेखक प्रोफेसर कमल दीक्षित और अन्य अतिथि मौजूद थे। अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा कि मूल्य बड़ी चीज़ है, जिन चीज़ों का हमें चुनाव करना है तो उसके लिए अपने विवेक का सही इस्तेमाल करना होता है। प्रोफेसर कमल दीक्षित जी के द्वारा जो लिखी गई किताब है मुझे लगता है कि किसी भी मीडिया कर्मी के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर विधा के या हर क्षेत्र के अपने अपने मूल्य होते हैं और उन मूल्यों का पालन करना किसी भी व्यवसायिकता के लिए परम आवश्यक होता है। इस मौके पर प्रोफेसर कमल दीक्षित ने कहा कि 1970 के आसपास भाषाई पत्रकारिता ने लंबी छलांग लगाई, तब पत्रकारिता में नए लोग आने लगे, उन्हें लगने लगा कि पत्रकारिता में भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है। उस दौर में एक बात प्रचलित थी कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसे अखबार निकालने की सलाह दे दें, वो जिंदगी भर कभी इसमें सफल नहीं हो पाएगा। इस देश में सफलता का पर्याय धन माना जाता है, उस दौर में मूल्यों का विचलन हुआ। पिछले 20 वर्षों में जो मूल्यों का विचलन हुआ है उसके समाज के सरोकार जो थोड़े कम हुए हैं, जो उसकी केंद्रीयता थोड़ी इधर उधर हुई है, जो व्यवसायिकता की वजह से समाज के सरोकारों को कम हुआ है उसको लेकर के अलग अलग पक्षों को लेकर के बातचीत है उसमें, और वो अलग अलग विषयों के संबंध में जिसका आज विमोचन हुआ है। मूल्यानुगत मीडिया एक मासिक जर्नल है तो उसमें जितने संपादकीय छपे थे वो अभी भी चल रहा है, तो वो उन संपादकीयों का एक संकलन है इसमें, जो उसकी केंद्रीय चिंता जो है मूल्यों को लेकर है। प्रोफेसर दीक्षित ने कहा कि सन 2000 में प्रतीश नंदी ने एक लेख लिखा, उन्होंने कहा कि दुनिया में 7 मुनाफा देने वाले बिजनेस में इंफोटेनमेंट भी शामिल है, पत्रकारिता शोषित लोगों के लिए काम करने का माध्यम है। मैंने सोचना शुरू किया कि पत्रकारिता एक व्यवसाय है, तब 13 वर्ष पहले मूल्यानुगत मीडिया का सफर शुरू हुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।